आज फिर हम सीखने वाले हैं आज एक नई ट्रिक मैथमेटिक्स में, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कंपटीशन में। जैसे कि कोई नंबर है, मान लेते हैं पी है, रूट के अंदर पी है और कहाँ तक है, इनफाइनाइट है। तो इसका सिंपल होता है, जो हमारे पास नंबर होता है वही इसका आंसर होता है। यदि हमारे पास इनफाइनाइट है, कोई लिमिटेड नंबर है, जैसे कि हमारे पास कितने टर्म है, हमने मान लेते हैं 3 टर्म है, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला के रूप में हम इसे याद कर लेंगे, पी की वैल्यू क्या हो गया, 2 की पावर n - k 1/2 की पावर n। अब इनके हम लगा के देखते हैं, कोई भी हमारे पास संख्या ले लेते हैं, जैसे माना कोई क्वेश्चन ले लिया, रूट पांच कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक लगा के देखते हैं हम, जो फॉर्मूला है, यदि हमारे इसके अंदर 6 रूट 6 और रूट 6, हम कितने टर्म है, हमारे पास 3 टर्म है, तो फॉर्मूला लगा देखते हैं, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1 2 3, 3 - 1 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 6 2 की पावर 3 का मतलब 8 - 1/2 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 की पावर 7/8, क्या हो गया इसका आंसर। एग्जाम में बार बार इसी टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, बहुत आसान तरीके से आप इन ट्रिकों के, इन फॉर्मूलों के माध्यम से कर सकते हैं इजिली, बहुत ही कम समय में। धन्यवाद।